सवेरे की तरह सुपरस्टार लगेगी इसमें। मुन्ने मियां अपनी औलाद को ना अपनी जुबान में अच्छे से समझा दो कि मेरी औलाद से 36 फुट दूर है। और इसमें लगोगी ओए मिसेज कबीर। जी नहीं, मैं वो वाला लूंगी जो तन्नो भाभी को पसंद है। वरना उनकी टांगे तोड़कर उनके हाथ में पकड़ा दूंगा। बस अब्बा इस मां से। एक तो मुनीर जी आप गुड़ वाली गजक वाली बूथी बना के बैठ जाते हैं, अब क्या बताते हैं आपको, नई फटीक हो गई है। फटीक तो होगी ना जब तन्नो भाभी एक बार फिर तमाशा बनाएंगी पूरे खानदान में मेरी बहन का। अल्लाह हिदायत दे सबको। ये सब किया धरा अब्बा और इनकी। भाई मानो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे अब्बा तो बख्शे गए। क्यों, तुम जन्नत के दरोगा हो? अबनम नहीं। अच्छा जी, मेरी तो ना आपने कभी बात मानी है ना मानेंगे, जब अपनी आंखों से देखेंगे ना तब आपकी बेलने में बाँ आएगी। 5 लाख का चेक है शॉपिंग के लिए। भाई चोरियां करनी शुरू कर दी है, बैंक में डाका डाला है। कोई बात नहीं है, तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ, बस इसलिए कहती हूँ। अच्छा ना अपना गुस्सा थूको, तुमने बिट्टू आपा के साथ भी तो जाना है और मेरे और अपने भाई की शॉपिंग नहीं करनी। ऐसी बात है तो ला के देना भाई का ATM कार्ड। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर डोरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एसमन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राजी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताए कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर गोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या किया है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे खानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में बड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये 2-4 दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि ऐसा मुझे भी कोई भी शौक नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है आखिरकार, जो बिट्टू आपा का तो इसे यकीन भी नहीं हो रहा है। बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिर कर आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मैन दरमियान में यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वारिस साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वारिस साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वारिस साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी इतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को जिस बात का इलम हो ही जाते हैं कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साफ बता ही दे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी, उसके भाभी उसे बताते हैं कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात हो
हो गया है एहसन, अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेंगे कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर डोरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एहसन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राज़ी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताए कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर कोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या किया है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे खानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में बड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होने करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि एहसन मुझे भी कोई भी शौक़ नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है। आखिरकार जो बिट्टू आपा का तो इस यकीन भी नहीं हो रहा है, बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिरकार आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मैन दरमियान में यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को जिस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी एतराज़ है तो हमें साफ बता ही दे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी, उसके भाभी उसे बताते हैं कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात हो गया, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेंगे कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर डोरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एसमन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राजी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताया कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर कोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या किया है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे ख़ानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में भड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि ऐसा मुझे भी कोई भी शौक नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है। आखिरकार जो बिट्टू आपा का तो इसे यकीन भी नहीं हो रहा है, बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिरकार आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मैन दरमियान में यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी इतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को जिस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साहब बता ही दे तो अच्छा ये होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी उसे बताती है कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेगी कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर डोरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एसमन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राजी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताया कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा।
और यहाँ पर गोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या किया है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे ख़ानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में भड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि एहसन मुझे भी कोई भी शौक़ नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है। आखिरकार जो बिट्टू आपा का तो इसे यकीन भी नहीं हो रहा है, बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन कर आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मैन दरमियान में यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को इस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साहब बता ही दे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी उसे बताती है कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात हो गया, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेंगे कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कला डोरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एहसन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राज़ी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताए कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर गोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या किया है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे खानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में भड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा।
तो मानूर भी यही बताती है कि ऐसा मुझे भी कोई भी शौक नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है, तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है। आखिरकार जो बिट्टू आपा का तो इस यकीन भी नहीं हो रहा है, बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिरकार आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मैंदन में हमें यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को इस बात का इलम हो ही जाते हैं कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साफ बता ही दे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी, उसके भाभी उसे बताते हैं कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात हो गया, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेंगे कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर डोरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एहसन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राज़ी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी कहता है कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर कोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या क्या है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे ख़ानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में भड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होने करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि ऐसा मुझे भी कोई भी शौक़ नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है, तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है। आखिरकार जो बिट्टू आपा का तो इस यकीन भी नहीं हो रहा है, बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिरकार आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू,
आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मेंदर में हमें यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी इतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को जिस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साफ बता ही दे तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी, उसके भाभी उसे बताते हैं कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेगी कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलर ड्यूरी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एहसन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राजी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताया कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर कोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या किया है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे ख़ानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में भड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि एहसन मुझे भी कोई भी शौक़ नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है आखिरकार, जो बिट्टू आपा का तो इसे यकीन भी नहीं हो रहा है। बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिरकार आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मेंदर में हमें यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा, जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी इतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है।
ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को इस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साफ बता ही दे तो अच्छा ये होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते हैं लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी उसे बताती है कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेगी कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलाडोर के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एहसन यहाँ पर कोको मामू और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राजी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी कहता है कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर कोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या क्या है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे ख़ानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती तो आप जो भी दिल में बड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि एहसन मुझे भी कोई भी शौक नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है आखिरकार, जो बिट्टू आपा का तो इस यकीन भी नहीं हो रहा है। बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है लेकिन कर आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी लेकिन मैन दरमियान में यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को इस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी एतराज़ है तो हमें साफ बता ही दे तो अच्छा ये होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी उसे बताती है कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेगी कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कलाडोरे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार मानूर और एस्पन यहाँ पर कोको मामो और यहाँ पर बिट्टू आपा की शादी तो करने के लिए राजी ही हो जाती है। इन परिवार वालों को सब इकट्ठे करने के लिए इन दोनों ने बहुत तकलीफें झेली होती हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर मानूर के अम्मी इस बात के लिए रजा हो ही जाती है कि चलो मैं अपने भाई की शादी बिट्टू आपा से कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके भाई जो कि बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन को यही बताता है कि बहन आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली, आपको खुदा मतलब जो भी आप खुश होना चाहते हो खुदा आपको उस बात पर खुश रखे। तो उसे भी बताए कि बड़े चमचे लगा रहे हो आजकल मुझे, तो चलो मैं आपकी शादी बिट्टू आपा से करवा ही लेता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि अगर बिट्टू आपा में इस तरह कोई भी बात निकली तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और यहाँ पर कोको मामू जब अपनी बहन को ये सब कुछ बता ही देते तो अगले दिन ये लोग जाकर यहाँ पर एहसन के घर जाते हैं। तो यहाँ पर एहसन ये सब लोगों को देखते हैं तो एहसन भी बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो ये मानूर को ये सब कुछ जो बता ही देते हैं कि आखिरकार इन दोनों में ये सब कुछ क्या क्या है कि इन दोनों के परिवार वाले एक इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एहसन जो कि मानूर को यही बताते हैं कि अब हमारे दरमियान में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे खानदान वालों की बात है, जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो आप जो भी दिल में भड़ास हैं आप मुझ पर निकाल सकते हो, लेकिन ये दो चार दिन आप बराए मेहरबानी करके चुप होना करने की कोशिश ही करो तो अच्छा ही रहेगा। तो मानूर भी यही बताती है कि ऐसा मुझे भी कोई भी शौक नहीं है लड़ाई झगड़े करने के लिए, लेकिन आप इस तरह कर लो कि आप इस तरह मेरे मतलब मामू की शादी बिट्टू आपा से हो ही जाती है तो इससे बड़ी और अच्छी बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। यहाँ पर मानूर की अम्मी बिट्टू आपा को शॉपिंग करने के लिए ले ही जाती है। आखिरकार जो बिट्टू आपा का तो इसे यकीन भी नहीं हो रहा है, बिट्टू आपा आ जाती है और अपने जानी को यही बताती है कि आप तो मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आखिर कर आप मान गई हमारी शादी को। तो यहाँ पर मानूर की अम्मी भी उसे बताती हैं कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है बिट्टू, आप इस तरह कर लो कि आप मेरे भाई को खुश रखो, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं कि आप इस तरह कोई भी टेंशन और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके भाई के मैं इतना ख्याल रखूँगा कि आप लोग खुद कहोगे क्या क्या ये आप ही हो खुद। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों की शादी तो आखिरकार होने ही वाली थी, लेकिन मैन दरमियान में यहाँ पर आ जाती है मानूर की अब्बा जो कि यहाँ पर मानूर की शादी की बात यहाँ पर एहसन के वालिद साहब के साथ कर लेते हैं। एहसन के वालिद साहब को यही बताते हैं कि यहाँ पर एहसन और मानूर की शादी ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एहसन के वालिद साहब को तो ये शादी करने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं होता, वो भी यही बताते हैं कि चलो घर के बच्चे हैं और घर में ही अगर शादी हो जाती है तो अच्छी ही बात है। ये दोनों का जब यहाँ पर होता है मानूर और एहसन को जिस बात का इलम हो ही जाती है कि आखिरकार ये लोग हमारी शादी की बात करवाना चाहते हैं, तो इन दोनों को यहाँ पर ले आता है और बिठा लेते हैं और उसे यही बताते हैं कि हम आप लोगों की शादी करवाना चाहते हैं, अगर आप दोनों को कोई भी इतराज़ है तो हमें साफ ही बता ही दें तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर एहसन और मानूर तो कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल चुप होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एहसन को यहाँ पर ले आता है उसके भाभी उसे बताते हैं कि मेरी बहन अगर इस घर में आ जाती है तो मेरे लिए खुशी की बात हो गया, एहसन अगर आपको कोई भी एतराज़ नहीं है तो आप इस शादी के लिए हाँ ही कर लो। तो एहसन भी बताते हैं कि मुझे इस शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है, आप मानूर से पूछ लो, अगर मानूर इस शादी से राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या मानूर इस शादी के लिए राज़ी हो ही जाती है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मानूर और एहसन के दरमियान में इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाती है कि अगले आप देख लेंगे कि इसकी शादी मुकम्मल हो ही जाती है या नहीं होती। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाकर लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की बकाए वक्त पर नोटिफिकेशन